हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेल्टा इलेक्ट्रिकल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ड्यूल स्टेटर की वायरिंग कैसे की जाती है। इसके हम कंट्रोल वायरिंग करके देखेंगे। इसके लिए हमको किस किस सामानों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले चाहिए हमको मेन कॉन्टेक्टर। यह थ्री फेस का कॉन्टेक्टर है, 25 एम्पेयर का। इसमें RYB या थ्री फेस हम इसमें लगाएंगे और आउटपुट में थ्री फेस मिलेगा। और ये हमारे पास एक ऑलोड रिले। ये कॉन्टेक्टर का कोयल 230 वोल्ट AC है, जिसका A1 ये है और A2 ये है। और ये ओवरलोड रिले, इसका NC पॉइंट ये है 95 और 96, और इसका NO पॉइंट है 97 और 98। अभी इसके बाद हम इसके लिए एक कंट्रोल वायरिंग के लिए एक MCB यूज़ में लेंगे, जो सी टाइप की है, 6 एम्पियर। एक इमरजेंसी पुश बटन है NC टाइप का, और एक रेड पुश बटन है जो स्टॉप करने के लिए यूज़ में लेंगे। ये भी NC होता है, नॉर्मली क्लोज। इसमें दो पॉइंट दिए होते हैं, 1 और 2। उसके बाद हम लेंगे इसको स्टार्ट करने के लिए ग्रीन पुश बटन। इसमें भी दो पॉइंट दिए होते हैं, 3 नंबर और 4 नंबर। ये NO टाइप का होता है, नॉर्मली ओपन। इसको जैसे मोटर को स्टार्ट करने के लिए इसको प्रेस किया जाता है, तो ये स्टार्ट हो जाएगा ड्यूल स्टार्टर। चलिए इसकी कंट्रोल वायरिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और बाकी और भी हमारे पास इसमें वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, इस टाइप की और आपके पास वीडियो मिल जाएगी इसमें। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। सबसे पहले हम इसमें MCB में पावर देंगे, सिंगल फेज। ये हमारे पास सिंगल फेज पावर है, अभी बंद है इसमें। तो हम सबसे पहले इसके इनपुट में लगाएंगे, MCB के इनपुट में। दोस्तों, MCB में इनपुट नीचे से या ऊपर से कहीं से भी दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नीचे से ही दिया जाता है। अभी न्यूट्रल हमको इसमें एक ही जगह पर कनेक्ट करना है, तो हम इसका लिंक या बस नहीं बनाएंगे, इसको हम डायरेक्ट कॉन्टेक्टर के A2 में कनेक्ट कर देंगे। इसमें हम ब्लैक वायर को कनेक्ट कर देंगे। इसमें न्यूट्रल एक ही जगह पे यूज में लिया जाता है, जो कि A2 पे। बाकी पूरी वायरिंग हमारी फेज से होगी, कंट्रोल वायरिंग पूरा फेज से होगा। अभी MCB बंद है, अब हम इसके आगे का वायरिंग करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इमरजेंसी पुश बटन लगाया जाता है, ताकि इमरजेंसी में कभी भी कुछ मोटर में जैसे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ फॉल्ट हो जाए, तो इमरजेंसी पुश बटन दबा के और इसको बंद किया जा सके। ठीक है, इसकी वायरिंग करते हैं। एक वायर लेंगे हम, जो MCB का आउटपुट निकलेगा वो सीधा इमरजेंसी पुश बटन में कनेक्ट हो जाएगा। हमने कनेक्ट कर दिया इसको MCB के आउटपुट में। जो पुश बटन है इमरजेंसी, इसके एक नंबर वायर पॉइंट पे हम इसका कनेक्ट कर देंगे वायर को। हमने इस पर कनेक्ट कर दिया। इसके बाद हम इसमें दूसरा जो रेड पुश बटन है, इसको इसकी सीरीज में हम कनेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ से यहाँ इसमें कनेक्ट करेंगे। एक टुकड़ा और लेंगे, ये हमने इसके एक नंबर पॉइंट पे इसको कनेक्ट कर देना है। अभी इसके जो 2 नंबर से वायर निकलेगा, उसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अभी ये ओनली NC पुश बटन की वायरिंग हुई है। अब दोस्तों, ये दोनों स्टॉप पुश बटन की वायरिंग हो जाने के बाद, यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो सीधा ओवरलोड रिले के NC पॉइंट पे कनेक्ट होगा। इसको आप 95 या 96 पे कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको 95 पे हम कनेक्ट करेंगे।
एक पूरा लाइनिंग आएगा और इसको सीधा और लोड लेके ऐसे इसको कनेक्ट कर लेंगे। ये दोनों मोटर आउटपुट लेना होगा, इस पर कनेक्ट हो जाएगा। नाइन्टी फाइव पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया। देखिए दोस्त, इसके बाद यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो हमारा स्टार्ट पुश बटन में कनेक्ट हो जाएगा। स्टार्ट पुश बटन है एनो टाइप, एक वायर का टुकड़ा लेंगे, इसको हम इसके एनसी पॉइंट से जो निकलेगा 96 से इसको हम स्टार्ट पुश बटन के 3 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, 3 नंबर पॉइंट पे हम इसको कनेक्ट करेंगे। हमने इसको 3 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है। अब जो एनो पुश बटन है इसका जो आउटपुट निकलेगा 4 नंबर से, उसको हम सीधा कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। इसका A1 पॉइंट है, इस पर हम इसको कस देंगे। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों हम इसको ऑन करेंगे, ओनली ऑन इसको करके देखेंगे तो ये ऑन होता है कि नहीं, उसके बाद इसमें जो कंसेप्ट है उसको फिर से बताएंगे। इसमें कुछ बाकी हैं उसको हम बताएंगे, अभी इसमें क्या बाकी रह गया वो बताएंगे। एक बार ये कॉन्टेक्ट होल्ड होता है कि नहीं वो देखते हैं। अभी हमने स्विच इसका ऑन कर दिया और हम MCB ऑन करते हैं। ये हमारा इमरजेंसी पुश बटन है, सबसे पहले सप्लाई यहाँ पर इसमें शो करनी चाहिए, इसमें सप्लाई आ रही है और इसके आउटपुट में भी सप्लाई निकलनी चाहिए, मतलब कि यहाँ तक हमारा रास्ता क्लियर है। उसके बाद जो दूसरा NC पुश बटन है उसमें भी सप्लाई आनी चाहिए और उसके आउटपुट में भी निकलनी चाहिए। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से कट ऑफ हो जाती है सप्लाई। ये देखिए दोस्तों, प्रेस किया अभी कट ऑफ होगी, इसको छोड़ा वापस आ गई। इसके बाद हमारा जो ओवरलोड रिले है इसके NC में ये जाएगा, तो यहाँ पर हमारी सप्लाई आ चुकी है। उसके बाद इसका आउटपुट, अगर ये ट्रिप नहीं है तो इसका आउटपुट इसमें से निकलेगा, और अगर ये ट्रिप हो जाती है तो यहाँ से आउटपुट इसका निकलना बंद हो जाएगा और ये पूरा स्टार्टर क्लोज कंडीशन में आ जाएगा। इसमें आउटपुट में सप्लाई निकल रही है, देखो दोस्तों ये। अब जाइए स्टार्ट पुश बटन के इनपुट में, यहाँ भी आ रही है, इसके बाद हम यहाँ पर अभी नहीं आ रही है, मतलब एनो है तो अभी कैसे आएगी। हाँ अभी ये एनो है, अब हम इसको पुश करेंगे तो यहाँ से निकलती हुई है इसके A1 पे चली जाएगी, और A2 में हमने इसको पहले से ही न्यूट्रल दे दिया है। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको पुश करते हैं, कॉन्टेक्ट होल्ड होता है कि नहीं। अभी ये लग रहा है, लेकिन छोड़ते ही वापस से छूट जा रहा है कॉन्टेक्टर, ये छोड़ते वापस बंद हो जाता है। तो इसको जो जैसे हमने इसको होल्ड किया तो इसको होल्डिंग को रोकने के लिए इसमें थोड़ी वायरिंग और की जाती है, होल्डिंग वायरिंग बोलते हैं उसको, वो स्टार्ट पुश बटन से और इसके जो एड ऑन ब्लॉक होता है उसके NO में हम कनेक्ट करेंगे। तो एक वायर का टुकड़ा लेंगे, इसका जो आउटपुट निकला है ये आउटपुट यहाँ पर गया है A1 पे, तो यहीं से एक लूप मार के NO पर इसको कनेक्ट कर देंगे। इसके NO में हम A1 में इसको कनेक्ट करेंगे।
ये देखिए दोस्त, अब इसका जो एनो का दूसरा जो पॉइंट होगा 13 नंबर पर, हमने इसको कनेक्ट कर दिया, और जो 14 नंबर से जो वायर निकलेगा उसको हम सीधा या तो जो एन सी पुश बटन है रेड वाला उसके यहाँ पर दे सकते हैं, और यही वायर यहाँ पर गया हुआ है तो यहाँ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको पुश बटन स्टार्ट पुश बटन से ही कनेक्ट किया जाता है, तो हम यहाँ से इसको होल्डिंग कर देंगे। दोस्तों होल्डिंग के बिना ये रुकेगा नहीं, जैसे हम पुश बटन को छोड़ते हैं तो वापस ये बंद हो जाएगा कॉन्टैक्टर, लेकिन अब हमने इसकी होल्डिंग कर दी है, होल्डिंग की वायरिंग हो गई है। अब हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं, स्टार्ट करेंगे तो ये होल्ड रहना चाहिए, पावर ऑन करते हैं। अब हम पुश बटन को प्रेस करेंगे, हमारा कॉन्टैक्टर लग गया है, यानी कि अभी होल्ड हो गया है। अब इसको जैसे स्टॉप करना हो तो हम यहाँ से स्टॉप करेंगे, ये स्टॉप हो गया और ये स्टार्ट हो गया और ये स्टॉप हो गया। इसके बाद जो इमरजेंसी बटन का काम होता है, जैसे कि हमने ये ऑन कर दिया, अब इमरजेंसी जो बटन है इसको हम प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, वापस हमने इसको रिलीज़ कर दिया है। अब फिर हम इसको होल्ड करेंगे, यहाँ से ऑन हो गया और यहाँ से स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप। तो दोस्तों ये कंप्लीट वायरिंग हो गई है, मोटर जब ओवरलोड होती है तो ये ट्रिप हो जाती है, उस कंडीशन में ये जो एन सी है वो एन हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये हमने स्टार्ट कर रखा है मोटर, अब ओवरलोड हो गया तो ये क्या हुआ, जैसे ये ट्रिप हो जाएगा तो यहाँ से ये प्रेस हो जाएगा अंदर और ये जो ग्रीन पॉइंट इसमें बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ से इसको पुश करके इसको रिसेट करना पड़ता है, तो वापस हम इसको ऑन कर सकते हैं। ये देखिए दोस्त, यहाँ से भी इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और भी ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। इसके बाद हम डी ऑयल स्टार्ट तो हमने स्टार्टर तो हमने कर ही दिया, और इसके बाद हम स्टार डेल्टा स्टार्टर की और रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की भी वीडियो हम लाएंगे, तो आपका साथ बना रहेगा तो ज़रूर हम कुछ कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों।